ओके इसके बाद मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो दिल लगाना छोड़ दिया, गाने को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ढूंढ, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, एंड इट्स जस्ट अ स्क्रिप्ट हाँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आए बात पे, वेरी क्रूअल, अच्छा नहीं किया, क्योंकि दोनों गानों में बेचारी लड़की धोखा दे रही है, तो दे वर लाइक वेरी क्रूअल, अच्छा नहीं किया, बट आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा। सेकेंड ये जानना चाहूँगी कितना इन्जॉय किया आपने गाना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर आप ऑडियंस के बीच में आ रही है और इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो फैमिली एंड फ्रेंड का रिएक्शन क्या आ रहा है? अच्छा आ रहा है, फैमिली दे आर ऑलवेज सपोर्टिव एंड उनको अच्छा लग रहा है, इवन फ्रेंड्स को अच्छा लग रहा है, और मैंने एक्चुअली बहुत इन्जॉय किया था बिकॉज हमने ये गाना शूट किया है मनाली में, और वहाँ पे थी स्नो, दो मेरी तबीयत ख़राब थी पर बर्फ़ का मज़ा अपना ही है, सो इट वॉज फन शूटिंग देयर, हम सुबह से लेकर रात तक शूट कर रहे थे एंड मज़ेदार था, क्योंकि इसी बहाने आपको घूमने को मिल जाता है, आप पहाड़ों को इन्जॉय करके आते हो। ट्विंकल ये जानना चाहूँगी उड़ारिया के बाद यू नो जब ये शो आपको मिला उसके बाद आप मुंबई शिफ्ट हो गए, कितना उस टाइम पे अगर मैं जानना चाहूँगी उस टाइम की बात, जो कितना चेंजेस हुए, क्या कुछ स्ट्रगल या फेसेस करने पड़े आपको उस टाइम? बहुत सारे चेंजेस हुए, एज अ पर्सनैलिटी मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, जब उड़ारिया मेरे जब मैं उड़ारिया में थी आई वॉज़ वेरी न्यू टू एवरीथिंग, इवन उड़ारियन के फर्स्ट 2-3 मंथ्स वो वेरी डिफ़िकल्ट एज बट माई बेस्ट, आई वुड स्टिल से मेरे लिए बेस्ट थे, पर मैं अभी आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आफ्टर उड़ारिया, नाउ देर वॉज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो अ प्रेशर कि अब इससे बेटर, एंड देन आई शिफ्टेड हियर, और मुंबई शिफ्ट होने की स्ट्रगल तो वी ऑल नो, फाइंडिंग अ हाउस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, बट now I have one and then I shot for different projects here, yeah. multiple projects jisme se mostly ab out ho rahe hain, and then we shot for a show and I'll meet you soon, that's all I can say as of now. Mumbai jab shift hui to Mumbai ki bahut sari baatein chalti hai, you know monsoon type chal raha hai, Mumbai ki aisi kya khaas cheeze hai total jo aapko bahut pasand hai? मुझे मुंबई में सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि यहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हियर जो आपको ऑलवेज ऑन द टोज रखती है। ऑनेस्टली सेइंग आफ्टर उड़ारिया व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़, पीपल डोंट नो हाउ द इंडस्ट्री वर्क, पीपल डोंट नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स कि यू हैव टू गिव ऑडिशन, देन यू हैव टू गो फॉर मॉक, देन यू हैव टू गो फॉर लुक टेस्ट, एंड देन देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स बिफोर साइनिंग अ शो, वहाँ पे पीपल डोंट नो बट दे वुड जस्ट से आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, एंड इट वुड एक्चुअली इफेक्ट मी ऑन माई हेड कि यार एक्चुअली आगे क्या, इट्स जस्ट 2 महीने हो चुके हैं आगे क्या, बट लेटर व्हेन आई केम टू बॉम्बे एंड आई रियलाइज दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर जर्नी, इट्स अ जर्नी दैट एवरी एक्टर गोज थ्रू एंड दैट्स ओके, तो यहाँ पे वो सेंस ऑफ फेमिलैरिटी बहुत मिली है, एंड वही कहूँगी आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, आई एम ऑलवेज ऑन द टोज, मुझे यहाँ वो एनर्जी दिखती है, वो एनर्जी मिलती है, इसलिए मुझे मुंबई पसंद आता है बहुत, ऑन द अदर हैंड यहाँ की बारिश, बिकॉज आई लव मानसूनस, आई एम सो इन्जॉइंग दिस वेदर। जैसे कि अगर हम उड़ारिया की बात करें तो आपके जिस तरीके का कैरेक्टर रहा है बहुत स्वीट एंड अदर देन दिस, मैं हर तरीके का कैरेक्टर प्ले करना पसंद करूँगी, आई वुड लाइक टू प्ले ऑल द जॉनर्स, बट आई वुड नेक्स्ट लाइक टू प्ले कॉमेडी एंड समथिंग राइट ऑपोजिट टू नेहमत विच आई होप यू विल सी वेरी सून, बिल्कुल ही नेहमत से ऑपोजिट, then I would like to do action, so I really want to explore myself as an actor, tabhi main abhi decisions bhi accordingly yahi le rahi hu ki jahan mehmat bahut pyara character tha aage mere jo projects hain wo bilkul opposite honge, yeah. And सरजी ये भी जानना चाहूँगी बहुत ऐसे कैरेक्टर रहे हैं, शाकास्ट रहे हैं आपके साथ में जो कि बाहर भी कोर्स भी किए,
और उनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा देखा गया, बट सडनली वो एक स्विचुअल कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड बेनिफिट जैसे फ्रेंडशिप पे है दिखाई दिए। इवन आपका रिएक्शन भी आया था जब आफ्टर ईशा माल्या एंड समर्थ बिग बॉस हाउस में थे, आपके अच्छे फ्रेंड भी थे इवन ऑन सेट, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस समय समर्थ खतरों खिलाड़ी कर रहे हैं। कर रहे खतरों खिलाड़ी में समर्थ हैं आई थिंक? नहीं हैं, I don't think. नहीं है? नहीं है. Okay. Because last conversation that I had, he had some health issue. Okay. उसके पैरों में कुछ इशू था. Okay. जिसकी वजह से he could not do खतरों के खिलाड़ी this year. But maybe he'll do next year. And करना चाहिए था, but I saw उसका पैर का थोड़ा ज़्यादा problem था. तो कोई बात नहीं, next time होगा. And everybody is doing good. Big Boss से निकल के everyone is doing good. अभिषेक is doing खतरों के खिलाड़ी. एंड आई थिंक दे आर डूइंग गुड. अब जो उनकी जर्नी रही है वो उनकी जर्नी रही है, ऐसे रही है ऐसे रही है, बट इट वॉज देयर ओन जर्नी. एंड आई थिंक ट्विंकल ऐसा फ्यूचर प्लानिंग है कभी बिग बॉस का ऑफर? इवन हमने सुना भी था कि आया था यू नो, बट आप इस समय प्रिपेयर नहीं है? अभी नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता कि मैं बिग बॉस करूँगी. बिग बॉस फॉलो करती हैं ओनली ऑन सोशल मीडिया? क्या इस समय क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? मेरे को अभी सोशल मीडिया पे वो कपल दिखे, दो शादियों वाले. एंड आई एक्चुअली दे आर फ्रॉम चंडीगढ़ ओनली, तो चंडीगढ़ में मैंने बहुत बार उन्हें मतलब देखा है आते जाते हैं एवरीथिंग. तो आई सॉ देम कि ओके दे आर ऑन टीवी नाउ. क्या ठीक है, नाइस. रिसेंटली आपके शो का भी कुछ सामने आ रहा है क्या? कुछ प्लानिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है जो कि बहुत जल्द हमें देखने को मिले? उसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच आई कैन टॉक अभी, बट थिंग्स वेंट लिटल अनएक्सपेक्टेड, बट वी आर गोइंग टू मीट सून. सो लास्टली ये जानना चाहूँगी तुमसे, आप अपने पर्सनल लाइफ में किस तरीके के रिलेशनशिप चाहती हैं? मतलब जिस तरीके गाने हमने देखे, बट रियल लाइफ में देखो ना, जिस तरीके के, एक चीज़ याद रखो प्लीज, एक्टर एक्टर होता है, एक्टर सिर्फ परफॉर्म कर रहा है जो उसे वो मिले, चाहे वो हारिया गाना था या हंजू गाना था. आई नो दोनों में डिफरेंट था, पर दोनों में लड़की कहीं ना कहीं एट फॉल्ट थी. बट इन माई रियल लाइफ आई हैव बीन अ वेरी, मैं बहुत ही यार दोस्ती वाली लड़की हूँ, तो मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ दोस्त भी हो और मेरा पार्टनर भी हो. ऐसे थैंक यू. थैंक यू.